बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी देसी रेसिपीज़। आज मैं बनाऊंगी आलू के डोनट्स। तो आलू के डोनट्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने इनको छील लिया था। आलूओं को छीलने के बाद मैंने इनको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि इनमें जो मॉइस्चर हो वो एवापोरेट हो जाए और आलू हमारे टाइट हो जाएं। अब आलू हमारे अच्छे से टाइट हो चुके हैं, अब मैं इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इनको मेशर की मदद से, पोटैटो मेशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बड़ा बाउल लिया है, इसके अंदर मैं आलूओं को ग्रेट करूँगी। अब एक आलू उठाऊँगी और इसको मैं ग्रेट, आप चाहें तो इनको पोटैटो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, पर मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ ताकि इनमें कोई गुठली ना बनी रहे। तो ये आप चेक कर लें, इसी तरह से मैं सारे आलू ग्रेट कर लूँगी। आलूओं को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। जब भी आप आलू की कोई रेसिपी बनाएं तो आप आलूओं को बॉईल करके छील कर फ्रिज में चिल करके आप यूज़ करें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ हरे मसाले। इनमें मैंने लिया है एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज और इसको मैंने ग्रेट करके इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक पीसी हुई। अब मैं इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए है और उनको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है। अब ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। इनमें मैंने लिया है 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है। मैं इसमें हरी मिर्चें भी यूज़ कर रही हूँ। अब ये हम इसमें डाल देंगे और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इनको हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ तो आप हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलूओं को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा ऑयल लिया है और ये मैंने एक बड़ी सी खाली प्लेट ली है। अब मैं सबसे पहले हाथों पर ऑयल लगाऊंगी। और अब यहाँ से थोड़ा सा मिक्सचर लूंगी। इसको गोल गोल घुमा के मैं पहले इसकी एक बॉल बनाऊंगी और इसको अब ऊपर से हल्का सा प्रेस करूंगी। अब प्रेस करने के बाद मैं इसको उंगली की मदद से इसकी शेप दूंगी। अगर आप उंगली की मदद से नहीं दे सकते तो आप एक छोटा सा कोई ढक्कन लेके उससे इसकी शेप बनाएं। और ये आप देख लें, इसी तरह से मैं सारे डोनट बना के रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सारे डोनट्स हमने रेडी कर दिए हैं और अब हम इनको कोट कर देते हैं। और तो कोटिंग के लिए हमने लिए हैं 2 अदद अंडे और ये मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, इससे हम इनको कोट करेंगे। सबसे पहले हम अंडों को मिक्स करेंगे। अंडों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम एक डोनट उठाएँगे और इसको हम पहले अंडों में डिप करेंगे। और अब हम इसके ऊपर दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम डालेंगे और ये चेक करें, डोनट हमारा रेडी है। इसी तरह से हम सारे डोनट्स रेडी करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। सारे डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी और जब ये सेट हो जाएं तो फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्रीज़र में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। डोनट्स को फ्रीज़र में रखे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अब हमारे डोनट अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल तकरीबन हमारा नीम गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे डोनट्स। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस ये हल्का गर्म होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये बहुत जल्दी से ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो अब हम डोनट डाल देते हैं ऑयल के अंदर और ये आप चेक कर लें कितने हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। ऑयल हमारा मीडियम गर्म है। एक एक करके हम डालते जाएंगे।
इस ऑयल के अंदर हम टोटल 4 डोनट फ्राई करेंगे। डोनट्स को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर एक साइड गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और जब एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। डोनट्स में आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना कि ये टूट ना जाए। अब एक साइड इनकी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये आप देख लें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। अब इनकी साइड हम चेंज कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे बग़ैर चम्मच चलाए। बस हल्का हल्का आप इनको हिलाते रहें, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएं। डोनट हमारे दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये आप देख लें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। और अब हम इनको एक जाली में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिले। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, हमारे बहुत ही टेस्टी किस्म के गर्मा गर्म आलू के डोनट्स रेडी हो चुके हैं। इनको बना के आप बच्चों को दें तो वो बहुत ही शौक से खाते हैं और उनको बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे आलू के डोनट्स की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।